वजन घटाने के तरीके के रूप में इंटरमिटेंट फास्टिंग खूब चलन में है, लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की माने तो ऐसा करने वालों में हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी से मौत का खतरा 91% तक बढ़ जाता है। एसोसिएशन की लाइफस्टाइल साइंटिफिक सेशन में इस रिसर्च का सार प्रेजेंट किया गया। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो सबसे लोकप्रिय तरीका है उसमें दिन के 24 घंटे में से 16 घंटे फास्टिंग की जाती है, जबकि बाकी 8 घंटे के दौरान आप सामान्य खाना खा सकते हैं। फास्टिंग के दौरान चाय, पानी, शरबत वगैरह लिया जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई ज़ियोटोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के विक्टर जोंग की अगुवाई में यह रिसर्च पूरा हुआ है। रिसर्चर्स ने USCDC के हेल्थ सर्वे में शामिल करीब 20,000 लोगों के डेटा का एनालिसिस किया। इसमें आधे पुरुष और आधी महिलाएं थी। लोगों की औसत उम्र 48 साल थी। स्टडी में 2003 से 2019 तक मौतों के आंकड़ों का एनालिसिस भी किया गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि लोगों ने कितने समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की। जोंग का दावा है कि स्टडी में 8 घंटे वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग और हार्ट रिलेटेड डेथ रेट के बीच सीधा संबंध दिखा। रिसर्च के नतीजे सामने आने के बाद कुछ डॉक्टर्स ने इस पर सवाल भी उठाए हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अलावा हार्ट डिजीज से मौत के अन्य कारण भी हो सकते हैं। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर कीथ फ्रेंड का कहना है कि इस पर लॉन्ग टर्म स्टडी की जरूरत है।